गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, दिखलाते हैं आपको वहाँ की जगह। तो निकल चुके हैं हम, आज बहुत हवा बह रही है, देख रहे हो गाइस हवा, क्या करूं, लेकिन मज़ा आ रहा बाइक चलाने में और मौसम भी बहुत सुहाना है इस समय। देख रहे हो भाई, अभी जा रहा हूँ अंदर, पहले काउंटर से टिकट ले लेते हैं, फिर आपको घुमाते हैं अंदर के दर्शन। की टिकट मिल चुकी है हमें, देखो हम जा रहे हैं अंदर, एंट्री हो रही है, एंट्री है, बहुत मज़ा आया देख के साथी भाई मेरे को। भाई साहब व्यू तो बहुत मस्त है यहाँ के, भाई दिल खुश हो गया मेरा तो यार, ये है दिल्ली, दर्शन कर लो, बहुत मज़ा आ रहा है भाई घूमने। फ्रेंड्स डिजाइन देख रहे हो, सिलेंडर काट के बना रखे हैं, अगर ध्यान से देखो तो पुराने सिलेंडर। भाई साहब दिल खुश हो गया यार। मैं तो सोच रहा था बहुत बेकार जगह होगी, लेकिन सही जगह यार, बहुत क्राउड है यहाँ पे। हाँ तो घूमने के लिए सही जगह है, अगर आप लोग आ सकते हो घूमने के लिए। ये दिल्ली में एक मकबरा है, हुमायूं का मकबरा मेरे ख्याल से। ये हमारा छोटा सा कुतुब मीनार देख रहे हो, क्या क्या बना रखा है यार इतनी छोटी सी चीज़ के अंदर, मैं घूम रहा हूँ ये पार्क, ये देख लो भाई साहब एक नंबर के लिए जंतर मंतर बना रखा है। मैं तो कहता हूँ घूमने के लिए तो आ ही सकते हो आप लोग, इतनी मस्त जगह है यार। कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, बहुत ही सही है यार, ऐसी बात नहीं ख़राब है, ये देखो कितना मस्त बना रखा है। ओ क्राउड भी बहुत हो रखा है आज तो, ओ आज तो वैलेंटाइन डे है इसलिए आज क्राउड है थोड़ा, वरना तो होना नहीं चाहिए। और स्कूल के बच्चे बहुत आ रखे हैं भाई घूमने के लिए, देख रहे हो। इस मंदिर का नाम तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से वहाँ लिखा होगा। देख रहे हो टोटल कारीगरी भाई लोहे से की गई है इसको यार, कुछ तो पता चला कि दिल्ली में ऐसे ही पा रहा है, भारत घूमो। हेलमेट से बाल कितने बेकार हो गए हैं, लेकिन क्या करें, करना तो करना है भाई, सब भीड़ रखी है भाई बहुत ज़्यादा ही। आज बहुत क्राउड नहीं है इतना जितना होना चाहिए, कमी है लेकिन ठीक है फिर भी यार। आज तो स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं यार घूमने के लिए, ये देखो बहुत ही ज़्यादा यार ऐसी जगह हो धाम धूम घूमने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था यार ऐसी भी जगह दिल्ली में, आज पता चल गया। और आज हम घूमने निकलना है भारत दर्शन पार्क, इसका नाम है। यार सही जगह यार, बहुत मस्त है यार घूमने लायक है, मैं तो चाहता हूँ सारे घूमे आके यहाँ पे, देखने में तो बहुत मजा आ रहा है यार इसको घूमने में। देख रहे दर्शन करने वाली जगह है ये, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। गर्मी लग रही है आज का ब्लॉग यहीं 22 एंड करते हैं। एंड करने से पहले आपको एक चीज़ दिलाऊंगा लास्ट में, भाई साहब क्या कारीगरी कर रखी है इसकी, आप भी कहोगे तो कहोगे हाँ क्या चीज़ है, मैं भी दिखाता हूँ एक सेकंड रुक जाओ। तो ख़त्म हो गया, लेकिन यार इसमें तो अभी घूमने के लिए बहुत चीज़ें हैं, ये देखो ना, समझ गए होगे क्या है ये, अपना आगरा का ताजमहल भाई, हर जगह यहाँ पे गार्डन गार्डन है यार, हर जगह देख लो, रात में मज़ा आएगा इसको देखने में।
भाई साहब घूमने में तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें है। मैं काफी दिनों को पता, हमारे घर से ज्यादा दूर निया से, और घूमने के लिए हम आ रहे। आज मुझे किसी ने बताया कि भाई भारत दर्शन कर लो, मुझे पता नहीं था। मैंने चल भाई घूम के आते हैं, और मैं आज आया यहाँ पे घूमते घूमते। लेकिन बहुत मजा आया यार, पीछे का व्यू देखो भाई, बहुत मस्त है। मैं अकेला आया, क्या करूँ, कोई आया नहीं साथ में, वरना मैं उसको भी ले ही आता घुमाने के लिए। कुछ ना कुछ तो घूमने के लिए मिलता ही है यार हमारे घाट से। मस्त है यार, कुछ भी कहो घूमने के लिए जगह तो आओ घूमो, क्या दिक्कत है। ये पुराने जमाने की बग्गी, भाई साहब टोटल वेस्ट है, देख रहे हो सारा लोहे से बना है इसके अंदर। चल रहे हैं आप बाहर की तरफ, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। अभी घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है भाई, अभी घूम तो लो पहले थोड़ा, अभी तो घूमे ही कहा है। ये देखो एक और, अब यहाँ क्या है देखते हैं हम। यार खत्म ही नहीं हो रहा भाई भाई बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा, घूमने के लिए बहुत चीज है यहाँ पे। ये देखो चार मीनार हैदराबाद का, एक सौ 28 दिन में चलते हैं इस खंड तक। लो भाई अभी आते हैं, टेंशन मत लो। ये बताना क्या है आप लोग, टोटल वेस्ट ऑफ गोवा। लगता है सारे लोग यही इकट्ठा करके ले आए हैं सबके सब, सारे जंग लगे हुए लोग हैं सारे के सारे। इतना भी है टोटल, ये लो भाई ये क्या है, इसको पहचानो आप लोग, कौन सा मंदिर है ये। ये विष्णु जी का मंदिर है, ये भाई साहब ये हाथी को देखो यार, हाथी को समझ जाओ किस किस चीज से बना रखा है, नट बोल्ट यही चीज है इसके अंदर, चैन वैन बाइकों के पार्ट वगैरह ज्यादातर। अंदर जो जो चीज़ें थी बहुत मज़ा आया, ऐसी बात नहीं है। चलो गाइस मिलते हैं फिर आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।